अब फोन में चावल आया गायब हो गया, तिरपाल आया वो भी गायब हो गया, दाल गायब हो गई जी दादा, दाल भी गायब हो गई। दीदी आप एक भाषण सुनी होंगे, सुनिए कि ओ माता जय विष्णु माता की जय, विष्णु माता है कि विष्णु भगवान है। दीदी दादा को गाली देता है, अमित शाह जी को गाली देता है, सब क्यों क्या कर रहा है ये सब, ये तो ठीक नहीं है। तो उसका स्क्रू ढीला है, वो तो समझ रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। दाढ़ी बनाने पे ज्यादा, अरे वो तो जब मुस्लिम लोगों का ही दाढ़ी अच्छा लगता है उनको, मोदी जी का दाढ़ी क्यों अच्छा लगेगा, इसीलिए उसको लग रहा है। अरे कैसे बना लेंगे पाकिस्तान, अरे कोई तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या आता जाता है। बना के देखिए और एक बार पाकिस्तान घूम के आने के लिए बोलिए, जे एक बार जाओ पासपोर्ट का पैसा हम लोग लेडीज लोग देगा। वो खुद को ब्राह्मण बोलते हुए और ये जय सियाराम के नाम पे क्यों चिढ़ती है, चोट लगता है दीदी, बैठ पैर में चोट लगता है और दहने पैर में इस तरह कर मीटिंग का भाषण दे, दो दिन में कहाँ से कन्वर्ट हो गया, उन्नयन हुआ है, उन्नयन हुआ है इस देश में, उन्नयन हुआ है कि दो दिन में प्रसरा कट जाता है और टूटा हुआ पैर पर आराम से रख के बात करते हैं। इतनी अच्छी तरक्की, 48 घंटे में प्लास्टर कट जा रहा है, क्या लेंगे दिखाए। मोबाइल में मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो है दीदी का, मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो है दीदी का, व्हाट्सएप वीडियो है और फिल्म और एक यहाँ का जो कैंडिडेट है जो हमारे माननीय विधायक बोलते हैं कि गौतम चौधरी, प्रशासन के बोलते हैं प्रशासन की इज्जत होता है, प्रशासन सब करता है और थाना में ढुक कर धजिया धजिया उड़ाते हैं, टेबल तोड़ते हैं, माँ बोका चौधा तू एक रकम कर ले, हमार छेले के धर ले, कहाँ का इज्जत है, तब कहाँ की मनोता है। बेलेश्वर में लॉकडाउन में पुलिस लोग मार खाते हैं और ममता दीदी बोलती हैं चल सेटलमेंट करो ना, सब निजी लोग अच्छे, कहाँ की मनोता है भैया, कहाँ की मनोता है, बोलिए तो आप किसलिए मार खाते हैं दादा, क्या मतलब क्या कि लॉकडाउन में आप स्पेस मत जमा करिए, पुलिस ने उसका विरोध किया तो पुलिस के ऊपर ईटा पत्थर चला, बेलेश्वर में मुस्लिम लोग तो उसके बाद पुलिस लोग पे हल्ला हुआ, मारा गया और एक दिन बाद बोलती है ममता दीदी चलना सेटलमेंट करे ना, ना हमारा वोट अच्छे तू जानी ना। तो उसके बाद लॉकडाउन में क्या था कि 5 आदमी संघ में नहीं निकलेगा, 500 आदमी संघ में निकला है, जय महाराज बताए, तब लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन के टाइम में कोरोना के टाइम में 500 आदमी 1000 आदमी निकला था बेलेश्वर से पुलिस के संघ में हाँ, कि दीदी जिंदाबाद दीदी जिंदाबाद, तो मास्क किसी के पास नहीं था, सब आदमी अपने अपने घर में छुपा था। उस टाइम कोरोना कहाँ गया था भैया, कोरोना कहाँ चला गया था, कोरोना नहीं था। अब फोन में चावल आया गायब हो गया, तिरपाल आया वो भी गायब हो गया, दाल गायब हो गई जी दादा, दाल भी गायब हो गई। दीदी आप एक भाषण सुनी होंगे, सुनिए कि ओ माता जय विष्णु माता की जय, विष्णु माता है कि विष्णु भगवान है, आप एक न्यूज में सुने होंगे। दीदी का स्क्रू ढीला हो गया, प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का स्क्रू ढीला नहीं हुआ है, दीदी का स्क्रू ढीला हो गया है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु तीन मूरत देखे वैसी, उनकी मति भ्रष्ट है तो दुनिया की मति भ्रष्ट समझ रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा इसलिए लग रहा है अगर सामने वाला पीने वाला है तो सामने वाले को भी पीना समझता है, तो दीदी का स्क्रू ढीला है तो इसलिए सामने वाले का ढीला समझ नहीं। नहीं नहीं उच्च शिक्षित युवक युवती नहीं, कुछ में नहीं मिला तो ऐसे काम तो काम बांग्ला कास्ट तो एजुकेशन हाई जो लोक में होता है युवक युवती में वो तो नहीं काम मिल रहा है ना, इसलिए तो बहुत दुख है। तो वही टारगेट है यंग जनरेशन का, तो वही टारगेट नहीं होगा तो मतलब कर्म संस्थान नहीं होगा तो यंग लड़का तो बाहर ही जाएगा कमाने के लिए, उन लोग तो घर में बैठा नहीं रहेगा ना, तो पहले तो यही चाहिए। तो ये तो 10 साल में हुआ नहीं है तो मतलब क्या काम नहीं हुआ है मेरा हिसाब से। अच्छा आप लोग होली मना रही हैं, हम सुनते हैं यहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मनाते हो, ऐसा कुछ है? हाँ दिक्कत तो होता है दुर्गा पूजा मनाने में नहीं, मतलब जब विसर्जन होता है तब अगर कोई दूसरा धर्म का कोई प्रोग्राम रहता है तो तब बंद कर दिया जाता है, इसके लिए हम लोग को अब कोर्ट में जाना पड़ता है।
जाके ये ऐसे फिर अभी दीदी को सॉफ्ट हिंदुत्व तो याद आया मैम, मंदिर मंदिर जा रही हैं तो वो कितना आपको क्या लगता है? वो तो बदलती हुई हवा है, जहाँ सुविधा मिलेगा वही चला जाएगा, उसका पास ना हिंदू का कोई मतलब है, ना मुस्लिम का कोई मतलब है, ना किसी का कोई मतलब है, ना कोई वो किसी का काम नहीं किया। हम लोग जो सोचते हैं ना कि 30% मुस्लिम को दे रहा है, कुछ नहीं दिया, उन लोग को भी गवार बना के रखा हुआ है, ना अच्छा स्कूल में पढ़ता है, ना कोई काम मिलता है, उन लोग का भी हाल हम लोग से बदतर है। और उनके लोग तो कह रहे हैं एक तरफ होके पाकिस्तान बना लेंगे। अरे कैसे बना लेंगे पाकिस्तान, अरे कोई तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या आता जाता है, बना के देखिए और एक बार पाकिस्तान घूम के आने के लिए बोलिए, जे एक बार जाओ पासपोर्ट का पैसा हम लोग लेडीज लोग देगा, और उसको बोलिए जाइए पाकिस्तान में एक हफ्ता रह के आइए, जो पार्टी अच्छा काम करेगा तो हम लोग उसको चाहेगा। तो आए नहीं तो कैसे आप मान लेंगे? अरे दूसरा जगह में हो रहा है ना, दूसरा जगह में कर रहा है ना, और मोदी देश के लिए क्या कर रहा है? शुद्ध अपना देखने के लिए नहीं होगा, अपना स्टेट देखेगा, अपना पार्टी देखेगा, ये नहीं होता है, पूरा देश में क्या काम कर रहा है इसके लिए भी देखना चाहिए। कहते हैं, दीदी कहती हैं बाहरी हैं मैम, आप बंगाली हैं, आपको नहीं लगता मोदी बाहर? अरे सारा इंडिया हिंदुस्तान हमारा स्वाधीन है, तो बाहरी वाला कहाँ से आ गया? बाहर से तो वो लोग होता है जो लोग छुप के तारकांडा से नीचे से आके और यहाँ पर रेशन कार्ड करवा लेता है और यहाँ पर 10-20 बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, वो लोग बाहरी घुस बैठे होता है, ये लोग नहीं, जहाँ यहाँ पर रह रहा है जिसका जन्म कर्म यहाँ पर है वो लोग घुस बैठे नहीं है। हाँ घुसबैठिया दीदी को अभी ना सब चक्कर दे रहा है, इसीलिए उसको सब अगल बगल सब उसको घुसबैठिया दिख रहा है। हमको भी बोल सकते हैं हम घुसबैठिया है, लेकिन हम तो ना बांग्लादेश से आया है ना हम यहाँ पर से आया है, हम तो कोलकाता का ही है, मेरा आठ पुरुष जन्म ही कोलकाता में है। दीदी को बांग्लादेशी क्यों घुसबैठिया नहीं लगती? बांग्ला दीदी को तो अच्छा लगता है ना कि आए और मेरा बात सुने, लेकिन वो तो नहीं समझता है कि समझदार आदमी समझदार है, जितना दिन तक उसको जो भी खिलाओ पिलाओ उसका काम हो जाएगा तो समझदार है ही जरूर। क्या लग रहा है मैम, दीदी दादा? नहीं नहीं दादा ही अच्छा है, देखिए मोदी जी ने अभी तक लगा रखा है, नहीं नहीं भगवान तो लगाया ठीक है, वो तो कलर है, देखिए बसंत उत्सव चल रहा है हम लोगों का तो कलर तो लगेगा ही, और भगवान तो अच्छा कलर है, नाराज हो जाएंगे सब जगह नीला कर रही है, हम क्यों सोचेंगे? देखिए हम तो कॉमन मैन है, दीदी का नाराज के सोचेंगे तो घर से निकल ही नहीं पड़ रहा है। हाँ दीदी के लिए क्यों हम सफेद नील लगाए, भगवान हमको पसंद है हम लगाएंगे, लाल पसंद होगा तो लाल लगाएंगे, अभी भगवान अच्छा लग रहा है, भगवान लग रहा है, भगवान अच्छा लग रहा है, नीला नहीं, नीला तो कभी भी अच्छा, नीला कोई होता है रंग क्यों, मतलब दीदी क्यों उसका रंग भगवा ही होता है, आप जो पलाश का फूल होता है हमारा, वो पलाश फूल होता है ऑरेंज ही होता है ना, घास में देखिए जो फूल होता है अभी ऑरेंज ऑरेंज ही होता है, जानते हैं ना आप लोग पलाश फूल जो बसंत उत्सव में इस समय में ही होता है, वो पूरा पेड़ एकदम भगवा कलर का होता है, तो बसंत उत्सव मतलब वो पलाश फूल होता है, तो इसके लिए पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर दीदी दादा बोलेंगे तो दादा को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। कहा जाता है बीजेपी महिलाएं हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करती हैं, ऐसा क्यों? देखिए दादा अभी तक जितने दिन दादा आए हुए हैं तो दादा तो लड़की लोगों को लिए कितना आगे बढ़ा दिया, वो कितना योजना बनाया, इससे पहले तो कोई नहीं सोचा था ना कि कोई लड़की लोग चूल्हा में जो जाता, उज्ज्वला योजना में गैस दे दिया, पढ़ाई के लिए दे दिया, सब कुछ तो दादा कर रहा है, तो दादा के लिए सब एक है, महिला तो आगे जा रहा है, इस बार जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला उसमें भी महिला लोगों को आरक्षण के बारे में सब बारे में, दीदी तो कुछ नहीं किया, दीदी क्या खाली देश चला रहा है, दादा तो 10 साल में स्टेट चला रहा है, उसमें उसका इतना कुछ नहीं कर पा रहा है। तारीफ कर रही है दीदी, तो कह रही है मोदी जी का स्क्रूप ढीला हो गया है। अरे जो जब खुद का ढीला रहेगा तो आपको तो लगेगा ही ढीला है, हमको अगर ढीला रहेगा तो हम तो दुनिया को देखेगा ढीला ढीला है, ऐसा ही बात है, स्क्रूप ढीला है तो हम कैसे बोले, तो खुद ही बोल रहे हैं ना जैसे पागल आप पागल है। दीदी का बात ये है, अभी एक बात बोलते हैं, कल फिर दूसरी बात बोलते हैं, फिर लोगों को गाली दे, अभी प्रधानमंत्री देखिए जो भी पार्टी का हो, मेरा एक बात है प्रधानमंत्री तो देश का होता है ना, तो उनको गाली दे रहा है, उनको तो माता खड़ा भी होगा ना, कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है, पार्टी पार्टी का दर जगह है, हम लोग तो दीदी को गाली नहीं देता, हम लोग क्या दीदी को गाली देता है? बीजेपी का लोग भी दीदी को ऐसा गाली नहीं देता, दीदी दादा को गाली देता है, अमित शाह जी को गाली देता है, सब
क्यों क्या कर रहा है ये सब, ये तो ठीक नहीं है। तो उसका स्क्रू ढीला है, वो तो समझ रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। दाढ़ी बनाने पे ज्यादा, अरे वो तो जब मुस्लिम लोगों का ही दाढ़ी अच्छा लगता है उनको, मोदी जी का दाढ़ी क्यों अच्छा लगेगा, इसीलिए उसको लग रहा है। उसको मुस्लिम लोगों का दाढ़ी रविंद्रनाथ ठाकुर तो दाढ़ी आछे ता सेई रकमई भाबछो ना भाबो ना। संतों का देश है ये हिंदुस्तान, संतों का देश है। और हर हर संत ने दाढ़ी रखा हुआ था, बाल रखे हुए थे, तो क्या हुआ? तो ये तो हिंदुस्तान है हिंदुओं का, और हिंदू में ये है कि दाढ़ी और बाल रखना जेंट्स लोगों का, तो इसमें उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमको तो पता नहीं लग रहा है। सीधा ये सवाल है, ये जो राजनीति चल रही है ये सब अलग हटके है। अभी जिस तरीके से चल रहा है, दीदी के पैर में चोट लग जाती है, बहुत समय हो गया, मगर ये चीज़ें हैं कि दीदी का पोस्टर लगा के वोट किया जाता है, फिर दीदी मंदिर जाती हैं, रात को मजार भी चली जाती हैं, चंडी पाठ, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो चीज़ें करी, ये कितना इफेक्ट डालता है चुनाव के ऊपर? सुनिए, एक बात तो पहले जो चंडी पाठ किया है वो एकदम सरासर गलत है, और दूसरा जो सरस्वती मंत्र उन्होंने बोला है वो भी सरासर गलत है। और मंदिर में जो जा रहे हैं आप लोग, रिपोर्टर है आप लोग देखिए, चप्पल पहन के जाती है, तो कहाँ का हिंदुत्व तो है और कहाँ का भगवान को मानना? ध्यान से आप देखते हैं? हाँ देखते हैं भाई, क्यों नहीं देखे? आगामी अगला 5 साल हम लोग का भविष्य है, तो क्यों ध्यान से नहीं देखे? पहले चरण का चुनाव था नंदीग्राम में, जिस तरीके से हम देखते हैं हिंसा बहुत होती है, और आज नंदीग्राम में भी ये तस्वीरें दिखी, क्यों मतलब हिंसक क्यों कल्चर? हिंसा मतलब ये ममता बनर्जी जो है ये मतलब तैयार कर देता है लोग को, मतलब एक एक बात बोल के, जैसे खेला हो बे इंचित मेपे ने बो देखे ने बो छाड़बो ना, तो इसमें क्या होता है ना, जो दूसरा लोग होता है ना, जो सब कोई का तो नहीं रहता है कि हम नहीं रहेगा तो हमारा बीवी बच्चा का क्या होगा, वही लोग चला जाता है मारामारी करने के लिए, और जो खा रहा है पी रहा है उनका उनसे आ रहा है काट मनी, वो तो चाहेगा कि ये सरकार रहे, इसीलिए जहाँ हो रहा है सब। ईवीएम पे सवाल उठाते मैम, क्योंकि आज सुबह से जो तस्वीरें निकल रही हैं उसमें टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हम बटन तो टीएमसी का दबा रहे हैं, मगर कमल का सकता हो ही नहीं सकता, झूठ का बात नहीं है, झूठ का बात नहीं है, ये हो नहीं सकता, झूठ का बात नहीं है, ये झूठ सच का बात नहीं है, हो नहीं सकता, झूठा नहीं है, झूठा नहीं है, जो बोलेगा सच्चा, बहुत झूठा बोला दीदी, दीदी कथा कथा मिथ्या कथा बोले दीदी, इसको सेट किया जाता है बाकायदा, और इसके लिए इंजीनियर होता है, और आप हमको पैसा भी देगा तो हम क्या कर सकते हैं सेट? ऐसे बैलेट से करा लीजिए, जीत जाएंगे। अरे पहले वही तो ममता बनर्जी तो बैलेट छुड़वा के इसको ले आया, वो किसका पैसा जाएगा? देश का पैसा जाएगा। आज बोलेगा ईवीएम में कराओ, कल बोलेगा छप्पा में कराओ, कल क्या बोलेगा मेरे घर में आके देखे जाओ। हाँ तो पैसा किसका जाता है? हम लोग का मतलब टैक्स का जाता है पैसा, जो ईवीएम उन्होंने ही तो लाया था कि ईवीएम में होगा वोट, तब ईवीएम खराब हो गया, जब देख रहे अपना हवा खराब हो रहा है तो उसका ईवीएम खराब हो गया। लग रहा है दीदी का हवा खराब, एकदम पूरा पूरा हवा खराब निकल गया पूरा। इतना लड़की लोगों का रेप हुआ है, एक बाइट भी नहीं दिया, एक जो होता है ना कि सहानुभूति वो भी दिखाने नहीं गया। आप लोग को तो पता होगा 8 साल का बच्ची जो जोड़ावागन में हुआ है, एक मतलब शब्द उसके लिए नहीं बोला है। तो ये कहाँ का मतलब, हम लोग जब सोचता था कि ये औरत है तो लेडीज लोग के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग तो लग रहे थे लेडीज हो के लेडीज का ऊपर दोष दे रहा है कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसीलिए मतलब जिसका चरित्र ठीक नहीं रहेगा उसको कोई भी रेप करके चला जाएगा, ये कोई मुख्यमंत्री होने का बोलने का बात है, तरीका है? और जो एक लेडीज हो के लेडीज का बात में मिठास होना चाहिए, हम आपके साथ, आप जो भी हो जैसे भी हो बाद में मिठास होना चाहिए। और वो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश का स्वराष्ट्र मंत्री है, तो उन लोग को कैसे कैसे बात कर रहा है उन लोग को, चाहे मोदी ना हो दूसरा किसी का भी बारे में क्यों बोले ऐसा? ये हम लोग लेडीज हो के हम लोग का लज्जा लगता है इस बात में बात करते हुए, जब सुनते हैं ना हम लोग टीवी में तो हम लोग का शर्म लगता है ये बात सुन के कि कोई भी जेंट्स को ऐसे कैसे बोल सकता है, और वो भी इतना मतलब मुख्यमंत्री को और जो हमारा स्वराष्ट्र मंत्री है उसको, मतलब हर आदमी को ये ऐसे ही बोली में बोलते रहते हैं।